मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने जपोल की सहायता से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश के जंगल से असली टाइगर रिटर्न की कहानी सामने आई है। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2.5 साल से लापता बाघिन घर लौट आई है। इससे पूरा जंगल महकमा खुश और उत्साहित है। 2.5 वर्षों की लापता बाघिन के अचानक जंगल में वापस आने की खबर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता हो या अन्य कोई क्षेत्र, यदि उसमें माफिया हावी होंगे तो विकास बाधित कर देंगे, आमजन के तबाह कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले यही होता था। आज उत्तर प्रदेश में माफिया गिरोही पर शिकंजा कर दिया गया तो न केवल प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है बल्कि विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। 17 दिसंबर से प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय संभावित काशी दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान सेवापुरी विधानसभा में एक बड़ी जनसभा के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी वाराणसी की गलियों और घाटों में भी भ्रमण कर सकते हैं। गोबर खरीदी को लेकर गोठान समितियों में असमंजस की स्थिति है। यहां काम करने वाली महिला समूह की परेशानी भी बढ़ गई है। महिला समूह की महिलाएं वहां कई तरह की गतिविधियां संचालित कर रही थी। ऐसे में इनके जीविकोपार्जन का ये एक अच्छा माध्यम भी था। महिला समूह को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कवि कुमार विश्वास से शिवसेना ज्वाइन करने की बात कही। ये मौका था मुंबई में CSR जर्नल एक्सलेंस 2023 के अवार्ड फंक्शन का, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कवि कुमार विश्वास मौजूद थे। इस फंक्शन में कुमार विश्वास को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। इस बैठक में विपक्ष दल बैठकर ये तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। राजस्थान समेत हिंदी हार्टलाइन में कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसने पार्टी को टेंशन में डाल दिया। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अगर इस तरह के हालात बने रहते हैं तो उसके लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। अब पार्टी के भीतर शिकस्त की वजहों को तलाशने के लिए मंथन चल रहा है। IPO के लिहाज से अगले हफ्ते बहुत अहम होने वाला है। अगले हफ्ते 2 मुख्य कंपनियों के साथ ही कुल 6 IPO खुलने वाले हैं। इनमें फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का IPO भी शामिल है। कंपनी ने IPO को प्राइस, बैंक और लॉट साइज आदि सब कुछ तय कर दिया है। सना रईस बिग बॉस 17 से बाहर हो चुकी हैं। बिग बॉस के इस सीजन में सना शुरू से शामिल थी। पेशे से क्रिमिनल वकील सना ने शो से बाहर होने के बाद अपनी जर्नी के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने घर वालों पर कमेंट किए, खासकर विक्की जैन को उन्होंने जमकर ट्रोल किया। सना ने कहा कि अनुराग बहुत बड़ा गधा है, वो कुछ करता नहीं है और अपने ब्रो सेना के भरोसे बैठा है।